रुक करेंगे अगली खबर का और अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई गई है। बिरला संग्रहालय में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण लीला और कृष्ण वीरता को पेंटिंग बनाई गई। पेंटिंग के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से श्री कृष्ण ने कृष्ण लीला की। श्री कृष्ण की पूरी जीवन लीला पेंटिंग के माध्यम से बताई गई, जिसमें उनके बाल स्वरूप से लेकर पूरा चित्रण किया गया। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पेंटिंग से श्री कृष्ण की जीवनी जो है वो पूरी तरीके से बताई गई। यह पेंटिंग जो है तो मोनोक्रोम में बनाई गई है और एब्स्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है। तो हम लोग इस पेंटिंग का मेन मकसद ये था कि मतलब जो कृष्ण जी के जन्म से जो अवतार तक का है वो दिखाने की कोशिश किया हम लोगों ने यहाँ। और हमारे जो साथी हैं सभी ने बहुत ही अच्छा कोशिश किया और लगातार कृष्ण जी के जन्म का और जो उनको यशोदा जी के घर तक ले जाने का सफर था कि नागदेव ऊपर रहते हैं वो जी। ये कंटेम्प्रेरी आर्ट है जिसे हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दिया है। ब्लू एंड वाइट का शेडो हमने वहाँ पर दिया है कृष्ण लीला। यहाँ की दो पैनल्स हैं यहाँ पर, कृष्ण लीला एंड कृष्ण वीरता। तो कृष्ण वीरता में जैसा कि हम सब जानते हैं कि कलर एक इमोशंस को दर्शाता है, तो कृष्ण वीरता में हमने ऑरेंज, रेड और येलो कलर को एक वीरता के रूप में दर्शाया है। और कृष्ण लीला पैनल में हमने ब्लू एंड वाइट कलर को ज़्यादा वो किया है, कलरिंग की है, ताकि वो एक कृष्ण लीला और बहुत ही हैप्पी वाला फील दे।